27 सितंबर को हेमंत सरकार के 2 साल की विफलता के खिलाफ बीजेपी के राज्यव्यापी एक दिवसीय धरना और हवन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दुमका के भाजपाई पुराने समाहरणालय के पास धरना दे रहे थे। अचानक उसी समय दुमका के SDO महेश्वर महतो वहां पहुंचे और उनके पहुंचते ही धरना स्थल पर हंगामा शुरू हो गया। सभी भाजपाई हेमंत सोरेन मुर्दाबाद और तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाने लगे। दरअसल अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि आप लोगों की आवाज़ कार्यक्रम समाहरणालय के सभागार तक पहुंच रही है, जहां दुमका के DC बैठक कर रहे हैं। आप लोग अपने स्पीकर की आवाज़ को कम कीजिए। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया और काफ़ी देर के बाद हंगामा शांत हुआ। गतिविधियों को हम लोग बंद न करें, उनके कुशासन, उनके जो गलत तरीके से जो सारे कार्यक्रम चल रहे हैं उसका हम लोग विरोध न करें, उसको रोकने का ही एक साजिश था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा कि आप लोग आवाज कम कीजिए, क्योंकि आवेदन हम लोग आप लोग जो दिए हैं उसमें हम लोगों ने आदेश दिया है कि एक सीमित जो आवाज है उसके तहत आपको कार्यक्रम करना है, और उनकी आवाज उनके रूम तक जा रही थी। क्या आप सबको ऐसा लगता है, आप सब लोग जानकार है, अनुभवी है, बराबर बैठकों में रहते हैं, क्या यहाँ की आवाज उनके कार्यालय तक जाती है? और निश्चित रूप से एक उनका योजनाबद्ध तरीके से किया गया एक कार्यक्रम था। बस तो साफ जाहिर है कि हेमंत सरकार के इशारे पर सारे पदाधिकारी काम कर रहे हैं। एक दिवसीय धरना जैसे लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक तरीके से धरना पर बैठी थी, और उसके इस धरना का बंद करने के लिए, इस तरह का विनाश करने के लिए, हम लोगों को धमकाने के लिए वो SDO साहब आए, यह बहुत बुरी बात है। और हेमंत सरकार से भी कहना चाहूंगा कि इस तरह के लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पेश ना आवे, इसका अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।